अंबाला में भी बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज से दो दिनों के लिए सभी बैंक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे दो दिनों तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सेक्रेटरी कामरेड पीसी चौहान ने बताया कि हम निजीकरण का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई जन विरोधी नीतियों को तुरंत बंद करें। हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आज की यह हड़ताल हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए तो है ही, साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए भी है। उन्होंने कहा कि बैंकों की दो दिन की हड़ताल को LIC, GIC और कई ट्रेड यूनियनों ने भी अपना समर्थन दिया है। कई बैंकों का निजीकरण होता है तो इसका आम जनता को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निजी बैंकों में सेवा शुल्क में बढ़ोतरी होना निश्चित है। आम आदमी को ऋण लेने में दिक्कत हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं को बंद कर दिया जाएगा। बैंकों द्वारा आज जो सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन सुविधाओं में कटौती निश्चित है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस दो दिन की हड़ताल के बावजूद बैंकों को निजीकरण करने का प्रयास किया तो आने वाले समय में बैंक कर्मी अपने इस प्रदर्शन को और तेज करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। आज देश की अर्थव्यवस्था छोटे छोटे देशों से भी निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसका मुख्य कारण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। मैं PC चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन और कन्वीनर UFBU, आज आपको बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज ये देशव्यापी सारे देश में दो दिन की हड़ताल की जा रही है। उसी को लेकर आज अंबाला में भी पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने सभी बैंकों के कॉमरेड्स हड़ताल करने को उपस्थित हुए हैं और इसमें बैंकों को निजीकरण करना हमारा मुख्य मांग है और प्राइवेटेशन जो भी अदायरा जो भी सरकारी अदारे को पैड कर हम उसकी भी विरोध करते हैं। आज हमारी डिमांड सभी बैंकों वालों की यही है कि बैंकों को प्राइवेट ना किया जाए, जिसके कारण जो आम जनता को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। जनता की गाड़ी कमाई अगर प्राइवेट निजी हाथों में सौंप दी जाएगी तो उनका कोई मतलब उनकी सिक्योरिटी नहीं है। उनके खर्चों में जो कि उनके खर्चे उनमें वृद्धि करेंगे। गाँव की शाखाओं को बंद किया जाएगा जिससे कि आम जनता को जो कि 80% भारत में गरीब जनता है उनको जो है नुकसान होगा और हमारी यही मांग है कि प्राइवेट ना किए जाएं। और यदि कल भी हमारे बैंकों की एक दिन की स्ट्राइक रहेगी और उसमें भी लगभग हमारे सारे अंबाला के जितने भी हमारे बैंकों के कर्मचारी हैं और अधिकारी वो सब भाग लेंगे। हमारी मुख्य मांग यही है कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण करने से बैंक वालों को ही नहीं बल्कि आम जनता को इससे ज़्यादा तकलीफ होगी। आम जनता के जो भी अधिकार हैं वह प्राइवेट बैंकों में सुरक्षित नहीं है और ना ही वो उनको हमारे सरकारी बैंकों से अच्छी सर्विस दे सकते हैं। अगर आज देश भर में 95% जो भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम्स आई है उसको सभी सरकारी बैंकों ने ही पूर्ण किया है, चाहे वो जनधन की स्कीम हो, चाहे वो किसी भी रूप में किया गया हो या नोटबंदी का हो, उसको काम में बैंक वालों ने अपना बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज बैंक वालों की स्थिति इस तरह कर दी है सरकार ने, ये जो IMF जो पूंजीपतियों की सरकार है BJP, हम उनको अपने इस स्ट्राइक से बताना चाहते हैं कि आप हमें कमज़ोर ना समझें। हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे और अपनी जो धरोहर है, जो हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे और आम पब्लिक की, जनता की हम रक्षा करेंगे ताकि उनके हितों की रक्षा करेंगे और उनकी जो गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको हम अपने इन पूंजीपतियों के हाथ में जाने से बचाएंगे, इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब कितना नुकसान होने वाला है देश को दो दिन की स्ट्राइक? इसमें तो नुकसान का कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, फिर भी करोड़ों अरबों में नुकसान होगा, पूरे देश में अरबों में जाकर कहीं जाकर नुकसान होगा दो दिन की स्ट्राइक का। अभी हमें दो दिन की स्ट्राइक का कल और परसों का ऊपर से हमें नोटिस आया है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन परसों मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सरकार के साथ कुछ बात हुई थी लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड वही रखा पुराना कि हम तो ये बैंकों का निजीकरण करेंगे। तो ऊपर से हमें जैसे भी वो मीटिंग में दोबारा हमारे को जैसा इंस्ट्रक्शन आएगी हम उसको पूरा करेंगे और आने वाले समय में अगर हमें इनडेफिनेट स्ट्राइक, अनिश्चितकाल के स्ट्राइक पर भी जाना पड़ा तो हम सब उसके लिए कमर बंद कर से तैयार हैं और हम लड़ेंगे और लड़कर इस देश की अर्थव्यवस्था, जो आज सभी जानते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था छोटे छोटे देशों से भी बहुत नीचे चली गई है। मतलब आपको लगता नहीं कि इस समय स्ट्राइक का ये समय ठीक नहीं है? एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप भी बैठे, तो लोगों को कितना नुकसान हो, तो क्या आप मानते हो कि समय सही है? हमने आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमने सभी अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये अपील की है। ऐसे बंद करा दो। हमने अपना सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से
और मैं अपने जो ग्राहक हैं उन सबसे अपील की है कि आप हमारे, हमें खेद है कि हमें दो दिन की स्ट्राइक की है, उनको जरूर इस चीज़ का दिक्कत होगी, लेकिन हमने उनसे बात की है, आज हमने सारे अखबारों में अपना पर्चे भी बंटवाए हैं ताकि उनकी दिक्कतों का हमें बता सकें कि भाई आपको आने वाले समय में ये दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक भी और कस्टमर भी वो आज हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि ठीक है आप मोटे से मोटा लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। एटीएम में पेमेंट मिलेगी सभी को? एटीएम में पेमेंट जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी डाली गई है, लेकिन उसके बाद दो दिन की अगर नहीं है तो उसके लिए फिर हमने उनको पहले बता दिया था कि आप अपना इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।